दरबार विच कवि साहबाना नू आप संगतां दे रूबरू करन उपरंत अति सत्कारयोग ज्ञानी साहिब सिंह जी शाहबाद मारकंडे वाले वो भी पहुंच चुके खान उन आप संगतां दे दर्शन दीदार करने ने और ज्ञानी लखविंदर सिंह जी सोहल उन्हां दा ढाडी जत्था भी पहुंच चुका है वो भी आप जिया दे दर्शन दीदारे करनगे। आओ बड़े प्यार नाल कवि दरबार की आरंभता जिस विच प्रोफेसर रविंदर सिंह मसरूर जी वो आप संगतां नाल आप जी दे रूबरू हो रहे खान जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चवर तख्त के मालक हलत पलत के राखे वालिये दो जहान सरवरे कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब दी हजूरी सजी बैठी गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी साध संगत जी आओ मन चित बुद्धि एकाग्र कर लईए फतेह गजा लईए एक बारी कोई रसना वांझी ना रहे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतसंग जी आप जी गुरबाणी का मनोहर कीर्तन सरवण कर रहे हो सवेर तो हुण तक उपरंत ज्ञानी साहब सिंह जी वर्गे विद्वानों कोलों गुर शब्द के विचार सरवण करनी है। गुरमत विच प्रचार के मुख चार साधना विचों चौथा जो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने महत्वपूर्ण कर दिता पौंटा साहब विखे 52 कवि रख के हर पूर्णमासी की रात कवि दरबार सजाते सन आप महाराज उस कवि दरबार लई हुक्म होया कीर्तन तो बाद समाधियां तो बाद होने इतिहास नाल जोड़न की गल आप जी दे रूबरू चार कवितावां होनियां ने। सतसंग जी यतन ने कि जिस भरोसे ते जिस प्यार नाल भाई पिंदरपाल सिंह जी ने अज जिम्मेवारी बख्शी है कवि दरबार की वो निभा सकी है। औखा कारज अज इसलिए बहुत हो गया कवियां लई के पंथ दे दो महान विद्वान व्याख्याकार बैठे ने भाई पिंदरपाल सिंह जी ते ज्ञानी साहब सिंह जी। संत महापुरुष वक्री गल बाणी दी व्याख्या ही सतसंग जी दो तरह होंदी है जां एक विद्वान करदा है जां एक अनुभवी करदा। मैं भाई पिंदरपाल सिंह जी नूं उमरों मेरे नाल छोटे ने पर अक्सर नमस्कार करके मिलिया करदा हूं इस करके कि यह सिर्फ विद्वान होके अर्थ नहीं करते वो जिहड़ा अंतर विच नाम का चानण है मैं उन्हों नमस्कार करदा। ऐसे इदां दे विद्वानां दी टकसाल ज्ञानी साहब सिंह जी
कवितावां औखियां हो जाणगियां पढ़नियां, पर तुसीं सिर ते मेहर भरिया हथ रखना साध संगत, असीं कवितावां कह सकीए। समां सिर्फ एक घंटा है ते उहदे विच चार कवितावां होणियां ने। गल समेट सब तो पहली रचना इस कवि दरबार की, मैं बहुता डिटेल च ना जावां। मैं भैन जगजीत कौर भोली जी जिहड़े दिल्ली तो तशरीफ लियाए ने, पंजाबी दे बहुत वड्डे एक साहित्यकार होए सरदारा अनंत सिंह जी काबली, ये उन्हां दी बेटी ने, विरसे विच कविता मिली है ते बड़ी तरन्नम च गा के कविता कहिंदे ने। जिन्ने प्यार नाल लिखदे ने उन्ने ही मिठास नाल उन्हूं गाउंदे भी है। आओ आपां कवि दरबार जिस विस्माद ते जिस मिठास विच कीर्तन सानू लै के गया सी, असी उत्थों तक ते कवि नहीं जा सकेगा, पर फिर भी अमृत छकाउण लग्यां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने जदों जाप साहब वर्गी बाणी रला दित्ती ना विच, ते फिर माता जी ने विच पतासे कोले सन कि भाई ये मिठास भी रह जाए, कितने निरा बीर रासी ना हो जाए। भैन जगजीत कौर भोली जी उस तरह की मिठास घोलते ने कवि दरबार च, उन्होंने बेनती करा वह कवि दरबार की पहली रचना कहन। यतन जे तुहाडा सिर ते मेर भरिया हथ रवे ते एक तो एक चिड़ंदियां कौन जाने मेरा नाम जीओ हो जाना, हर कविता अगे तो अगे गुरु का जस कहन ले पहले नालों चंगी होने का यतन करेगी। बेनती करांगा भैन जगजीत कौर भोली जी नूं, वो अपनी रचना नाल हाजरी भरन। सतसंगत कवि दरबार का एक माहौल हुंदा है वक्खरा थोड़ा जिहा, जे किते किसे कवि की कोई रचना किते कोई शेर चंगा लग जाए तो जयकारे नाल असीस जरूर देना, क्योंकि यह माहौल है कवि दरबार का। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप निवाजिश करिया करते सन, चौपाई उचरी ना महाराज ने जदों उहदे तों पहलों लिखिया कब्यो बाच बेनती चौपाई, एक कव्यो बाच बेनती है जो कवि ने कहा। महाराज आप कवियां कवि सन, अपने आप नूं कवि कह के प्रसन्न होए, कव्यो बाच कहा। ते उस परंपरा विचों अज चार कवितावां तुहाडे नाल ने, जिथे कोई शेर चंगा लग जाए जयकारे नाल जरूर आशीर्वाद दिओ, ते आरंभ भी असी एक जयकारे नाल कर लईए। बोले सो निहार, जुग जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पवित्र चरणों में जुड़ी बैठी सात संगत जीओ, आओ सारे रल के अपनिया रसना पवित्र करिए ते गज के आखिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। सात संगत जीओ, अज बड़ा फखर महसूस हो रहा है, अज दे समयां दे प्रसिद्ध महान विद्वान ते प्रचारक मेरे सामने बैठे हैं, भाई सिंह भाई भिंदरपाल सिंह जी। इन्हां दे सामने कविता कहन दा सुभाग प्राप्त होया है, होर ज्ञानी साहिब सिंह जी बैठे हैं, होर वड्डे वड्डे विद्वान बैठे हैं। मैं बहुता समा ना लैंदे हुए अपनी रचना आप दे सामने पेश करन जा रही हाँ। साध संगत जी, एक नवेकला जिहा सबजैक्ट है कि असी गुरु साहिबान दीआं जीवनियां बारे बहुत कुछ पढ़िया सुनिया है, पर असी गुरु महलां बारे बहुत ही घट सुनिया है ते पढ़िया है। सो मेरा मन सी कि गुरु महलां दा योगदान सिख इतिहास विच देखिए, उन्होंने गुरु महलां ने की कुर्बानियां कीतियां, ते ओ मैं अपनी कविता आपके सामने लैके हाजिर हुई हाँ। किथे पर्वत जेडी शान
मेरा राई जया गुनगान किथे पर्वत जेडी शान मेरा राई जया गुनगान साड़ी होवे परवान कोट कोट वंदना पानी मां दी देन महान मां सुंदरी दा उच्च स्थान माता गुजरी दे बलिदान नू डंडौत बंदना किथे पर्वत जेडी शान मेरा राई जया गुणगान साड़ी होवे परवान कोट कोट बंदना पानी मां दी देन महान मां सुंदरी दा उच्च स्थान माता गुजरी दे बलिदान नू डंडौत बंदना माता गुजरी दे बलिदान नू डंडौत बंदना सत्संग जीओ पहले गुरु दे महल जिक्र कर रही हां माता सुलखनी जी दा मां सुलखनी उदासियां सी तेरे जोगिया मां सुलखनी उदासियां सी तेरे जोगिया नानक चार लाइया पर तू चार लख हो गया इतने सत्संग जी और जिक्र करना चाहती हाँ कि सतगुरु नानक पातशाह ने चार उदासियां लाइया जो अध्यात्मक उदासियां सन माता सुलखनी जी ने जो उदासियां सहिया वो सन संसारिक जेड़े असी अपने किसी मित्र प्यारे दे विछड़ जानते भोगते हाँ वो है संसारिक उदासी ते एक शब्द विच दो मीनिंग कढ़न का यतन किया है मां सुलखनी उदासियां सी तेरे जोगिया नानक चार लाइया पर तू चार लख हो गया कौन बारह बारह साल अज राह तक दे कौन बारह बारह साल अज राह तक दे सिदक विर लियांदा त्याग दी पठी च पक दे सिदक विर लियांदा त्याग दी पठी च पक दे सीने चल बिर होंदा बान पाली नानक दी संतान सीने चल बिर होंदा बान पाली नानक दी संतान तैनू ग्रिस्तन महान नू डंडौत बंदना लखवार पर नाम कोट कोट बंदना पानी मां दी देन महान मां सुंदरी दा उच्च स्थान माता गुजरी दे बलिदान नू डंडौत बंदना आओ सत्संग जीओ एक होर महान बीबी दे किरदार अगे सिर झुकाइए माता भानी जी बारे एक बंद कह रही हां इन्हां नू कितने रुतबे प्राप्त हन देखना सत्संग जीओ माता भानी जो तीसरे गुरु अमरदास जी की बेटी है चौथे गुरु रामदास जी दे महल हन पंजवे पातशाह शहीदी दे सिरताज गुरु अर्जन पातशाह दे माता जी हन अते छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी दी दादी है नौवें पातशाह जी दी पड़दादी है आओ एक बंद कह रही हां माता भानी जी बारे माता भानी अपने घर गुरे आई मंग ले माता भानी अपने घर गुरे आई मंग ले अमरदास जी तो काल ते कमाई मंग ली अमरदास जी तो काल ते कमाई मंग ली अंतरयामी पिता खून दे फुहारे वेख ले अंतरयामी पिता खून
दे पुहारे वेख ले किते उबल दिया देगा किते आरे वेख ले किते उबल दिया देगा किते आरे वेख ले पानी मां दा वड उपकार मंगले दुखां दे पहाड़ पानी मां दा वड उपकार मंगले दुखां दे पहाड़ सारा करदा जहान कोट कोट बंदना लख वार परनाम कोट कोट बंदना पानी मां दी देन महान मां सुंदरी दा उच्च स्थान माता गुजरी दे बलिदान नू दंडौत वंदना माता गुजरी दे बलिदान नू दंडौत वंदना ओ साध संग जीओ एक बंद पेश कर रही हूं माता गंगा जी बारे पंजवें पातशाह दे महल हन बड़ा लामिसाल योगदान है माता गंगा जी का देखना माता गंगा जी उत्ते भी बड़ा मान कौम नू माता गंगा जी उत्ते भी बड़ा मान कौम नू जिसने दिता छेवा पातशाह महान कौम नू जिसने दिता छेवा पातशाह महान कौम नू जहांगीर जहे राज दी मकारी वेख ले जहांगीर जहे राज दी मकारी वेख ले ते लाहौर जांदी पति दी सवारी वेख ली राह शहादत ते पति दी सवारी वेख ली जालम दे गातवियां ताइयां सिद्दकी जिंदा ना खबराइयां जालम दे गातवियां ताइयां सिद्दकी जिंदा ना खबराइयां तैनू मात पर नाम कोट को कोट बंदना पैना वालों जकारा आया है बहुत बहुत धन्यवाद तैनू मात पर नाम कोट कोट बंदना जालम देगा तविया ताइया सिद्दकी जिंदा ना कबराइया तैनू मात पर नाम कोट कोट बंदना पानी मां दी देन महान मां सुंदरी दा उच्च स्थान माता गुजरी दे बलिदान नू डंडौत वंदना माता गुजरी दे बलिदान नू डंडौत वंदना माता गुजरी दे बलिदान नू डंडौत वंदना आओ सत्संग जियो एक होर बेमिसाल माता दे दर्शन करिए माता गुजरी जी तेरे उत्ते की गुजरी माता गुजरी जी तेरे उत्ते की गुजरी सिरदा साईं दिता पर ना मुखों सी उचरी सिरदा साईं दिता माता गुजरी जी तेरे उत्ते की गुजरी सिरदा साईं दिता पर ना मुखों सी उचरी लाया पोतियानू सीने नाल कुट कुट के लाया पोतियानू सीने नाल कुट कुट के डिगे दुखां दे पहाड़ जिवे टूट टूट के डिगे दुखां दे पहाड़ जिवे टूट टूट के
चारे पोते कर कुर्बान हस हस त्यागे अपने प्राण चारे पोते कर कुर्बान हस हस त्यागे अपने प्राण तेरी कीर्ति महान नू डंडौत बंदना तेरी कीर्ति महान नू डंडौत वंदना लख वार पर नाम कोट कोट वंदना साध संगत जी कविता का अंतिम बंद पेश कर रही हूँ सिख पंथ दियां होर दो महान बीबियां दे किरदार दे अग्गे आओ सारे मिलके शीश झुकाइए जिन्हां ने अपना सरबंस वार दिता पर अखां विचों इक अत्थर भी नहीं गिरन दित्ती आओ साध संगत जीओ माता सुंदरी ने नवा इतिहास रचिया माता सुंदरी ने नवा इतिहास रचिया चारे पुत दिते वार ता ए देश बचेया चा बहुत बहुत धन्यवाद साध संगत जी माता सुंदरी ने नवा इतिहास रचिया चारे पुत दिते वार ता ए देश बचिया दसम पात शादी सदा हरी रुत खालसा साध संगत जी आप जी नू कह रही हैं आप खालसा हो दसम पात शादी हरी भरी रुत दसम पात शादी सदा हरी रुत खालसा साहेब कौर जी दी चोल पाया पुत खालसा हुकम होया बंद दोबारा करो माता सुंदरी ने नवा इतिहास रचिया चारे पुत दिते वार ता ए देश बचिया दसम पात शादी सदा हरी रुत खालसा साहेब कौर जी दी चोल पाया है पुत खालसा साहेब कौर जी दी चोल पाया पुत खालसा अणखा सिदकां दा सिर नावा धर्मी मूरत दोए मातावा अणखा सिदकां दा सिर नावा धर्मी मूरत दोए मातावा पंथ खालसे दी पंथ खालसे दी आपनू डंडौत वंदना पंथ खालसे दी आपनू डंडौत वंदना किथे पर्वत जेडी शान मेरा राई जया गुनगान साड़ी होवे परवान कोट कोट वंदना पानी मां दी देन महान मां सुंदरी दा उच्च स्थान माता गुजरी दे बलिदान नू डंडौत वंदना माता गुजरी दे बलिदान नू डंडौत वंदना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की सत्संग जी जिस तरह मैं बेनती की सी कि भैन जगजीत कौर भोली जी बीर रस विच पतासिया वाली मिठास घोलते हैं तुसीं बहुत आनंद लिया उन्हां दी रचना का और बिल्कुल वक्खरा जिहा सबजैक्ट किया उन्होंने